खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। तंगी हालत में आकर स्टेट एजेंट ने लगाई 13वें महल से छलांग। मुंबई के बोरीवली पश्चिम आईसी कॉलोनी के पॉश इलाके से सैफरान बिल्डिंग में रहने वाले एक रियल इस्टेट एजेंट ने 13 महल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छलांग लगाने से पहले उसने अपने हाथों से सुसाइड नोट लिखकर अपनी आर्थिक तंगी को जिम्मेदार बताकर आत्महत्या की। पुलिस के अनुसार कुछ समय से रियल इस्टेट में नुकसान होने की वजह से हर तरह से हाथ का सुसाइड का रास्ता अपनाया। सोचने वाली बात यह है कि बोरीवली के पॉश इलाके आईसी कॉलोनी के रहने वाले मोदी जी शायद यही दिन अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या कर मजबूर हो रहे हैं। 27 मार्च को सैफरान बिल्डिंग में 13 महले पर रहने वाले स्टेट एजेंट ने आर्थिक तंगी की वजह से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट में अपनी आर्थिक तंगी को ही जिम्मेदार बताया है। कल 27 मार्च को MHB पुलिस स्टेशन के अंडर आईसी कॉलोनी है, वहाँ पे एक 36 साल के आदमी ने 13 फ्लोर से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनका था, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। उसमें और कोई डाउट है या कोई संशयास्पद है ये पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, सुसाइड नोट मिला है तो सुसाइड का क्या कहना है? उसमें सुसाइड नोट में उन्होंने खाली अपने वाइफ को और दोस्त लोगों के बारे में लिखा है, बाकी उसमें दूसरा सस्पेक्शियस कुछ भी नहीं है।